आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स में भी दो सब टॉपिक हैं, एक वेन डायग्राम्स पर है और दूसरा इंटरसेक्टिंग फिगर्स। तो आज हम क्या है इंटरसेक्टिंग फिगर्स से मुतालिक, ये क्या होते हैं, किस तरह से इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछली मरतबा भी आपको इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तमाम चीज़ें आज के इस क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टिंग फिगर्स, तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सवालात को लेंगे। तो वेन डायग्राम्स में क्या होता है, किसी भी मालूमात को फिगर की शक्ल में, ज्योमेट्रिकल फिगर, किसी भी जो नॉलेज है उसको हम किसमें, ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर स्पेशली क्या है, सर्कल में जाहिर किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ज्योमेट्रिकल फिगर, स्पेशली सर्कल या फिर ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह में भी जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से अभी चंद लोग, एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि चंद लोगों को मैंगो खाना पसंद है, तो हम मैंगो के लिए ये सर्कल हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मैंगो खाने वालों के लिए है। अब इसी तरह से किसी को दूसरा फ्रूट पसंद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एप्पल, तो ये एप्पल के लिए, तो एप्पल खाने वालों के लिए और मैंगो खाने वालों के लिए। इस तरह से यहाँ पर सेपरेट सेपरेट हम क्या है एक एक सर्कल यहाँ पर बनाए हुए हैं। मगर ये सिर्फ मैंगो खाने वाले, जिनको मैंगो पसंद है उनके लिए ये सर्कल है, और ये सिर्फ एप्पल खाने वालों के लिए। मगर ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों भी पसंद होते हैं, तो उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स में। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मैंगो खाने वाले हो गए और ये एप्पल खाने वाले लोग। तो अब यहाँ पर ये क्या है, मैंगो और ये एप्पल, और ये हिस्सा जो आप बीच में देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये किसको जाहिर कर रहा है, बोथ मैंगो और एप्पल दोनों खाने वाले। ये ऐसा हिस्सा है जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो हिस्सा है ये किन लोगों को जाहिर करता है, ये दोनों पसंद करते हैं, ये मैंगो भी पसंद करते हैं और एप्पल को भी पसंद करते हैं। जबकि जो रिमेनिंग हिस्सा है, यानी ये पूरा हिस्सा, अब इसमें ये जो बच रहा है ये पूरा हिस्सा किसका है, मैंगो के लिए है, और यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा है ये सिर्फ एप्पल, ओनली मैंगो ओनली एप्पल, और ये बीच का हिस्सा जो है बोथ मैंगो एंड एप्पल पसंद करने वाले लोगों का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर और एक चीज हम इसमें ऐड करेंगे, एक मैंगो हो गया, एक एप्पल, और एक चीज हम लेंगे बनाना। तो अब यहाँ पर उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ दो को लेकर के कंटिन्यू करेंगे, एक मैंगो है और एक एप्पल है, तो उसी को हम ले रहे हैं मैंगो और ये एप्पल। देखिए मैंगो किससे पसंद है, चंद हम नाम लेंगे, एग्जाम्पल ए बी सी, ए बी वगैरह लेंगे, ए बी सी, ए बी सी को मैंगो पसंद है और एप्पल किसे पसंद है, सी डी और ई को पसंद है। तो यहां पर एप्पल मैंगो जो है ए बी सी को पसंद है, और एप्पल किसे पसंद है, सी डी और ई को पसंद है। तो अब यहाँ पर
एक इधर आएगा, इसे सिर्फ मैंगो पसंद है या मैंगो और एप्पल दोनों में आ रहा है? ए असली मैंगो हाँ है तो ये यहाँ पर आएगा, ए। बी तो ये भी यहाँ पर आएगा, ओनली मैंगो। अब देखिए सी क्या है, ये दोनों भी पसंद है, बोथ ए मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा सी? यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट डी, डी ओनली एप्पल एप्पल, और इसी तरह से ई भी ओनली एप्पल है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास मैंगो खाने वाले लोग थे, एप्पल खाने वाले लोग थे जिनको पसंद था, और एक शख्स ऐसा था जिसे बोथ दोनों पसंद थे। तो इस तरह से हम उसको वेन डायग्राम्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। यही इंटरसेक्टिंग फिगर्स हैं, जहां पर हमें ये जो बीच का हिस्सा क्या जाहिर कर रहा है कि ये बोथ, ये क्या जाहिर कर रहा है, इनको बोथ ए एंड बी, यानी बोथ मैंगो एंड एप्पल इनको पसंद है, जबकि ए और बी को ओनली मैंगो, और डी और ई क्या है, ओनली एप्पल। आगे बढ़ेंगे हम, और भी इसमें और एक चीज ऐड करके अब आगे हल करेंगे। तो अब यहां पर देखिए और एक चीज ऐड हो गई, एक हमारा मैंगो था यहां पर, उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चीज हम ले सकते हैं, मैंगो और ये एप्पल, और इसको हम क्या करेंगे, बनाना लेंगे, ठीक है। मैंगो, एप्पल और बनाना, यहाँ पर तीन चीजें आ गई। अब तीन चीजें, चलिए हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, किसे किसे क्या पसंद है हम पहले देखेंगे। देखिए मैंगो, एप्पल और बनाना। तो मैंगो, एप्पल और बनाना किसे देखिए पसंद है यहाँ पर? क्यू, सी, डी, बी, आर, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंगो पसंद है, और यहाँ पर बी, आर, यू, टी, पी, जिन्हें एप्पल पसंद है, और इसी तरह से यहाँ पर ए, बी, डी, यू और यस, ये वो लोग हैं जिन्हें बनाना पसंद है। तो यहाँ पर मिक्स करके मैं यहाँ पर इसको पहले ही लिख लिया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंगो, एप्पल और बनाना। अब देखिए इसमें चंद आपको रिपीट भी नजर आ रहे हैं, आर रिपीट है, इसी तरह से बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे में यहाँ पर, यानी चंद लोगों को मैंगो और एप्पल पसंद है, तो किसी को एप्पल और बनाना पसंद है, किसी को तीनों पसंद है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अलग अलग, अब हम यहाँ पर इसको इसमें बताते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्यू, क्यू को सिर्फ मैंगो पसंद है या फिर ये दूसरे कहीं पर है, ये ओनली मैंगो, तो क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी, सी को भी ओनली मैंगो में हम लेंगे, ठीक है, क्यू सी हो गया, ठीक है, ये दो हो गए। अब डी, यहाँ पर मैंगो और यहाँ पर बनाना, तो इसको दो चीजें पसंद है, एप्पल पसंद नहीं है। अब मैंगो और बनाना का यहाँ पर आएगा, देखिए वो यहाँ पर है और बनाना यहाँ पर है, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये चीज यहाँ पर आ रही है, मगर इसमें एप्पल का हिस्सा भी आ रहा है, ये हिस्सा एप्पल भी ऐड हो रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं जरा ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है, ये जो अब मैं यहाँ पर शेड किया, ये हिस्सा दोनों के बीच का है, बोथ का है, कौन सा, मैंगो और बनाना के लिए, बोथ के लिए यहाँ पर आएगा, मगर इसमें एप्पल भी यहाँ पर, एप्पल का भी एक छोटा सा हिस्सा ऐड हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे फिलहाल। तो अब ये किधर आएगा, ये ओनली मैंगो और क्या है, इसको बनाना है, तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा जो है, ये इसमें एप्पल भी ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं आप?
तो इस तरह से डी यहां पर आया, मैंगो और बनाना। अब नेक्स्ट जो है बी, मैंगो एप्पल और बनाना, ये तीनों में कॉमन है, यानी इससे ये ऐसा शख्स है जिसे तीनों पसंद है। अब तीनों पसंद है तो ये कहां पर आ रहा है, ये हिस्सा कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। देखिए ये हिस्सा जो मैं रेड से अब कर रहा हूं, ये हिस्सा ऐसा है जहां पर तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों हिस्सों का, तीनों सर्कल का यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बी यहाँ पर आएगा। ये मैंगो एप्पल और बनाना, इसको तीनों पसंद है। हाँ, अब डी बी हो गया। उसके बाद आर देखिए, और यहाँ पर है, यानी इसे क्या पसंद है, मैंगो और एप्पल को पसंद करता है। ओनली मैंगो एंड एप्पल, नॉट बनाना, बनाना पसंद नहीं है, सिर्फ मैंगो और एप्पल को ये पसंद करता है। तो ये कहां पर आएगा, मैंगो और एप्पल का देखिए इधर है, यहां पर ये हिस्सा, ये हिस्से में आएगा, समझ रहे हैं। तो मैंगो और एप्पल इसे दोनों पसंद है, तो ये आर यहां पर आएगा। अब नेक्स्ट देखिए यू है, और यहां पर है, यानी एप्पल और बनाना पसंद है। तो एप्पल और बनाना के लिए जो कॉमन, ये पूरा आएगा मगर एप्पल वाले हिस्से को हम छोड़ेंगे, तो ये इतने हिस्से में ये कौन सा है, ये एप्पल और बनाना, तो यू यहां पर आएगा। उसके बाद में टी, टी ओनली एप्पल है, और इसी तरह से पी, ओनली एप्पल। हाँ, उसके बाद टी हो गया, पी हो गया, ए, ए ओनली बनाना है, बी ऑलरेडी आ चुका है, डी आ चुका है, यू भी आया हुआ है, अब यस जो है ओनली बनाना। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसमें मिक्स था सब, किसी को मैंगो और एप्पल पसंद था, तो किसी को मैंगो और बनाना पसंद था, और इसमें किसी को तीनों पसंद थे, किसी को ओनली मैंगो पसंद था, ओनली एप्पल, ओनली बनाना, बोथ मैंगो एंड एप्पल, बोथ एप्पल एंड बनाना, बोथ बनाना एंड मैंगो। तो इस तरह से ये तमाम इंफॉर्मेशन को इस फिगर हम में हमने रख लिया, तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं। अब हमारे पास ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, तो सिर्फ इसी को देख करके हम बताना है कि यहाँ पर वो कौन है जिन्हें मैंगो और बनाना पसंद है। मैंगो और बनाना किसे पसंद है, डी और बी को पसंद है। मैंगो और बनाना डी और बी को पसंद है। ओनली मैंगो और बनाना किसे पसंद है, तो सिर्फ डी आएगा। देखिए यहां पर इसमें भी और दो, ये अब मैं अब जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सिर्फ आपको क्या पूछा जा रहा है कि मैंगो और बनाना कौन किसे पसंद है, तो सिर्फ आपको यहां पर ओनली नहीं पूछा गया, ओनली मैंगो और बनाना नहीं पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, मैंगो और बनाना किसे पसंद है। तो मैंगो और बनाना का जो कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये है, ठीक है। तो डी और बी को क्या है, मैंगो और बनाना दोनों पसंद है, ओनली मैंगो और बनाना, नॉट एप्पल, समझ रहे हैं, ओनली मैंगो और बनाना नॉट एप्पल, तो तब कौन आएगा, डी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो अब बताया ये पॉइंट, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, बोथ मैंगो एंड बनाना, तो बोथ मैंगो एंड बनाना किसे पसंद है, डी और बी को। ये कौन है, डी कौन है, सिर्फ ये मैंगो एंड बनाना, नॉट एप्पल, या फिर इसको हम ओनली भी लगा सकते हैं, ओनली मैंगो एंड बनाना। ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, यहां पर मैं जो चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ मैंगो एंड बनाना, सिर्फ मैंगो और बनाना, तो हम यहां पर डी और बी दोनों लेंगे, सिर्फ ओनली मैंगो और बनाना खाने वाले जिन्हें पसंद है वो डी है, प्योरली इन्हें यहाँ पर इसमें एप्पल को हम शामिल नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, इसको समझ लिया आपने। तो अब यहाँ पर देखिए
ओनली एप्पल और बनाना किसे पसंद है? यहां पर ओनली एप्पल एंड बनाना पूछा गया तो क्या आएगा? यू आएगा। फाइंड द पीपल हु लाइक बोथ एप्पल एंड बनाना। एप्पल और बनाना को लाइक करने वाले जो हैं कौन है? वो बी और यू हैं। यहाँ पर ओनली नहीं पूछा जा रहा आपको, तो तब आपको जब ओनली नहीं पूछा जा रहा तो आपको दोनों लेना है, क्योंकि एप्पल और बनाना को इंटरसेक्ट करने वाला हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है जो कॉमन आ रहा है। तो बोथ एप्पल और बनाना बी और यू, ओनली एप्पल और बनाना सिर्फ यू आएगा। वो कौन है जिन्हें मैंगो एप्पल और बनाना तीनों पसंद है? ये जो बीच का हिस्सा है यही क्या है? तीनों में आ रहा है। तो ये बी है जिसे मैंगो भी पसंद है, एप्पल भी पसंद है और बनाना भी पसंद है। जिसे तीनों पसंद है वो अकेला है। कौन है वो? बी है। एप्पल खाने वाले लोग कौन कौन है बोलिए? सवाल में सेब खाने वाले लोग कितने हैं? तो ये तमाम लोग आएंगे। अगर सवाल सिर्फ ये पूछ रहा है कि सिर्फ एप्पल खाने वाले लोग कितने हैं, तो टीपी उतना ही आएगा। तो सवाल को समझना ज़रूरी है। हाँ चलिए, अब डायरेक्ट हम एग्जांपल्स को लेंगे। तो ये पहला हमारा सवाल है, तो ध्यान दीजिए उस पर, फिगर पर। क्वेश्चन अभी नहीं आया, सिर्फ आपको डायग्राम आया है। ये जो ट्राइंगल है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा ट्राइंगल जो है किसे रिप्रेजेंट करता है? पदवीधरु धरहरु यानी ग्रेजुएट्स। और ये रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? विलेजर्स विलेजर्स हल्लीगरु। और ये सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टीचर्स। एक तीन फिगर है यहाँ पर, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स विलेजर्स एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स टीचर्स। ठीक है, अब इस पर देखिए सवाल इस तरह से है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स। ऑप्शंस आर 12, 13, 20, 15। हाँ चलिए, अब देखिए यहां पर सवाल क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स। तो ग्रेजुएट ऐसे लोगों को पता लगाना है जो टीचर्स भी हैं और ग्रेजुएट्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ ग्रेजुएट हैं जो टीचर नहीं हैं। तो इस तरह से यहां पर क्या पूछा है, वो ग्रेजुएट टीचर्स, द टीचर्स हु आर ग्रेजुएट, ऐसे कौन है? दोनों भी रहना, वो ग्रेजुएट भी रहना और टीचर। तो ग्रेजुएट के लिए यहां पर जैसे कि हमने देखा ये ट्राइंगल है और टीचर्स के लिए सर्कल है। अब ये दोनों फिगर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? तो देखिए यहां पर सर्कल और ट्राइंगल यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हिस्सा यहां पर ओनली नहीं पूछा है, क्या पूछा है यहां पर? टोटल नंबर पूछा है। ओनली ग्रेजुएट टीचर्स बोले तो यहां पर फिर अलग आता था, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स, हु आर टीचर्स एंड ग्रेजुएट बोथ। तो ये हिस्सा क्या है हमको हमें कंसिडर करना है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन हिस्सा यहां पर आ रहा है। ग्रेजुएट और टीचर्स का हिस्सा यहां पर इंटरसेक्ट करने के बाद में ये हिस्सा कॉमन है, तो 8 + 5 = 13। सो 13 पीपल आर ग्रेजुएट टीचर्स। हाँ देखिए वही डायग्राम आपको फिर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन दूसरा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो विलेजर्स। सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रहा है मगर बिल्कुल आसान है, इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। सवाल क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो विलेजर्स, मतलब क्या है? ऐसे ग्रेजुएट्स जो विलेजर्स भी हैं, ग्रेजुएट्स और विलेजर्स। तो ग्रेजुएट्स के लिए क्या रिप्रेजेंट है, कौन सा फिगर है? ट्राइंगल है। विलेजर्स के लिए रेक्टेंगल। ग्रेजुएट्स और विलेजर्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये हिस्सा यहां पर देखिए, हाँ
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो विलेजर्स. तो ग्रेजुएट और विलेजर्स का यहाँ पर जब दो चीज पूछ रहे तो हम इसको ध्यान नहीं देना है टीचर्स, हमें ओनली ओनली नहीं पूछा है, इसीलिए हम ये दो फिगर का इंटरसेक्ट कॉमन हिस्सा लेना है. तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का जो कॉमन इंटरसेक्ट करने के बाद में जो कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये है. ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर ऑल्सो विलेजर्स कितने हैं, 5 + 10 15, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फाइंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स हु आर ऑल्सो विलेजर्स. देखिए ग्रेजुएट टीचर्स और विलेजर्स, ये इजीली मैं तो समझता हूँ आपके लिए विद इन अ सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं. और तीनों चीजें हैं, वो ग्रेजुएट भी है, टीचर भी है और विलेजर भी है. तो वो कौन सा हिस्सा है जहां पर तीनों फिगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये हिस्सा है जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है और रेक्टेंगल भी है. तो तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन जो पार्ट है वो कौन सा है, फाई है. तो फाई इज द राइट आंसर. सो फाइंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स हु आर आल्सो विलेजर्स कितने हैं, वो 5 है. उसी फिगर पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स. देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स यानी ट्राइंगल में जितने भी आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं. 35 इज द राइट आंसर. अगर यही क्वेश्चन ओनली ग्रेजुएट्स अगर पूछता था तो आपका आंसर क्या होता था, ओनली अगर ग्रेजुएट्स पूछता था तो आपका आंसर होना चाहिए था 12. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो सर्कल में जितने भी आएंगे उसको हम कंसिडर करेंगे. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, 8 + 6 = 14, 14 + 7 = 21, 21 + 5 = 26. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. अगर ओनली टीचर्स आपको पूछता था तो आपका जवाब होता 6. अब एक क्वेश्चन हम और ऐड कर लेंगे, ये फिगर पर खत्म हो गया. टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स बोलिए कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स 33. ओनली विलेजर्स 11. सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल प्लेयर्स, कबड्डी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल, क्रिकेट रेक्टेंगल मुस्ततील, वॉलीबॉल सर्कल दायरा. तो इस तरह से यहाँ पर फिगर है और वो तमाम फिगर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब इस पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड कबड्डी. फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड कबड्डी. तो क्रिकेट और कबड्डी को हम देखना है, यहाँ पर हम वॉलीबॉल को ध्यान नहीं देंगे. तो क्रिकेट के लिए क्या है फिगर, रेक्टेंगल, और कबड्डी के लिए ट्राइंगल. तो हम दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको हम देखेंगे, किसका, कबड्डी और क्रिकेट, यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल. तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का जो कॉमन पोर्शन है वो यहां पर है. देखिए तो यहां पर क्रिकेट के लिए रेक्टेंगल और कबड्डी के लिए ट्राइंगल, तो दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉमन पोर्शन हमें मिल रहा है. तो यहां पर जो दो नंबर्स आ रहे हैं 9 + 8 = 17, तो 17 इज द राइट आंसर. सो हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड कबड्डी, तो कितने हैं वो, 17 प्लेयर्स, दे प्ले बोथ क्रिकेट एंड कबड्डी. उसी फिगर पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले ओनली वॉलीबॉल. देखिए सवाल ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले वॉलीबॉल.
तब आपका जॉब अलग होता है। टोटल नंबर्स तो सर्कल में जितने आते हैं वो पूरा काउंट करना पड़ता है। अगर वॉलीबॉल का टोटल पूछ रहा है तो यहाँ पर ओनली पूछ रहा है, तो ओनली पूछ रहा है तो क्या होगा आपका आंसर है ये हिस्सा। तो ये ओनली हिस्सा क्या है, ओनली वॉलीबॉल बोले तो ये पर कितना है 5 है। अगर टोटल नंबर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स पूछेंगे तो 22 आता है। देखिए 22 भी आपके ऑप्शन में मौजूद है वहां। ये आप वॉलीबॉल पूछ रहा है नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले वॉलीबॉल ओनली को आप ध्यान नहीं दिए, तो आप 22 भी आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि 22 भी वहां पर मौजूद है। अगर ओनली को आप ध्यान नहीं दिए तो, इसीलिए सवाल ध्यान से पढ़ना, सवाल को पढ़ करके सवाल को सही समझेंगे तो तब हम सही उसका हल कर सकते हैं। हाँ देखिए उसी फिगर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स। ऑफ कबड्डी प्लेयर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स, जो ट्रायंगल यानी मुसल्लस में आने वाले तमाम प्लेयर्स कबड्डी प्लेयर्स हैं। अब वो रेक्टेंगल में इसमें आ रहे हैं, सर्कल में आ रहे हैं, रेक्टेंगल में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान नहीं देना है। तो नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स पूछा है, इसका मतलब क्या है? टोटल टोटल नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स, नंबर ऑफ कबड्डी प्लेयर्स इस ट्रायंगल में जितने भी आ रहे हैं तमाम कंसीडर होंगे, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 23। तीनों कबड्डी क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों खेलने वाले प्लेयर्स कितने हैं? नंबर 8 है। ये जो 8 है ये क्या है, तीनों खेलने वाले हैं। कबड्डी क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों खेलने वाले कितने हैं? यहाँ पर 8 है। देखिए यहाँ पर अब फिगर वैसा ही है, यहाँ पर सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट्स फिशरमैन मैन, ट्राइंगल फार्मर्स और रेक्टेंगल बिजनेसमैन। तो इस तरह से यहाँ पर सर्कल फिशरमैन, ट्राइंगल फार्मर्स और रेक्टेंगल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फिगर इज द नंबर ऑफ बिजनेसमैन हु आर नॉट फिशरमैन। द नंबर ऑफ बिजनेसमैन हु आर नॉट फिशरमैन। तो सबसे पहले हम बिजनेसमैन कौन सा है यहाँ पर, ये पूरा बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेसमैन में से क्या करना है, हमें किसे निकालना है? फिशरमैन को। फिशरमैन बोले तो यहां पर ये हिस्सा हमें निकालना है, ये हिस्सा नहीं होना हमें, ठीक है? ये हिस्से को हम छोड़ देने का है क्योंकि फिशरमैन को हम नहीं ले रहे, ठीक है? तो बच रहा है कितना यहाँ, बिजनेसमैन हु आर नॉट फिशरमैन, तो फिशरमैन को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 5, 10 प्लस 6 कितना हुआ 21, 21 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसी फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स फार्मर्स हु आर बिजनेसमैन। कौन से दो फिगर को कॉन्सेंट्रेट करना है? सिर्फ हमें दो फिगर को कॉन्सेंट्रेट करना है, एक फार्मर और एक बिजनेसमैन, दोनों का कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना है उतना। तो फार्मर्स कौन है? ट्राइंगल, और ये रेक्टेंगल, दोनों का कॉमन पोर्शन कहां पर है? यहां पर है। बिजनेसमैन और फार्मर्स दोनों का कॉमन पोर्शन अब मैं करा सो वो करेक्ट है कि नहीं? 10 प्लस 8 18, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिशरमैन हु आर बोथ बिजनेसमैन एंड फार्मर्स। द टोटल नंबर ऑफ फिशरमैन, देखिए फिशरमैन हु आर बोथ बिजनेसमैन एंड फार्मर्स, यानी ऐसे लोग जो फिशरमैन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और फार्मर्स भी हैं। तो कौन सा फिगर तीनों में कॉमन है, कौन सा सेक्शन? ये हिस्सा। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 8 इज द राइट आंसर। हाँ उसी से है। द नंबर 7 रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ, तो नंबर 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? द नंबर 7 रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ फिशरमैन ओनली। फिगर चेंज है, यहाँ पर सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
कनाडा स्पीकिंग पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल तमिल स्पीकिंग तमिल, पीपल, और ट्राइंगल तेलुगु तेलुगु। स्पीकिंग पीपल। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी पीपल आर स्पीकिंग कन्नड़ा? हाउ मेनी पीपल हु आर स्पीकिंग ओनली कन्नड़ा नहीं पूछा आपको, क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल आर स्पीकिंग कन्नड़ा। तो आपको क्या करना है, सर्कल में आने वाले तमाम नंबर्स को आपको कंसीडर करना है। तो सर्कल में कितना है? 3 + 2 + 7 + 10, 5 7 + 5 12, 12 + 10 22। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में ओनली का वर्ड अगर वो ऐड करता था तो आपका आंसर कितना होता, 10। उसी फिगर से रिलेटेड? हाउ मैनी पीपल आर स्पीकिंग ओनली तमिल, हाउ मैनी पीपल आर स्पीकिंग ओनली तमिल पूछा हुआ है। तो ओनली तमिल में किस पार्ट को आपको कंसिडर करना है, ये हिस्सा, ये ओनली तमिल का है। तो ओनली तमिल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी पीपल आर स्पीकिंग बोथ कन्नड़ा एंड तेलुगु, कन्नड़ा और तेलुगु, यानी सर्कल और ट्राइंगल में कॉमन देखना है। देखिए सिंपल चीज है, क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी पीपल आर स्पीकिंग बोथ, दोनों कन्नड़ा और तेलुगु। तो कन्नड़ा के लिए क्या है, सर्कल है, और तेलुगु के लिए ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉमन पोर्शन यहाँ पर है, सही है? से मैं यहाँ पर किया हूं, ये हिस्सा क्या है, कॉमन है। किसका कॉमन है? ये दीज आर द पीपल हु स्पीक बोथ कन्नड़ा एंड तेलुगु। तो कितने हैं वो? 7 + 3 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा लास्ट फिगर होगा। तो सर्कल रिप्रेजेंट्स एरोप्लेन पैसेंजर्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ट्रेन पैसेंजर्स, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट शिप पैसेंजर्स। द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ओनली इन एरोप्लेन। एरोप्लेन पैसेंजर्स के लिए सर्कल रिप्रेजेंट है, यहाँ पर ओनली एरोप्लेन पैसेंजर्स यानी नंबर 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, तो उसी फिगर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रैवल ईदर इन ट्रेन और इन शिप। ऑप्शंस आर 22, 2, 6 एंड 11। देखिए टोटल नंबर पूछा हुआ है, एक तो फर्स्ट चीज क्या है, टोटल नंबर कौन से पैसेंजर्स हु ट्रेवल इधर इन ट्रेन, वो ट्रेन में सफर करते हैं या शिप में सफर करने वाले, टोटल नंबर। मतलब हमें क्या करना है, शिप और प्लेन का, ट्रेन और शिप का टोटल लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर पूछा हुआ है, या ट्रेन में करते हैं या शिप में करते हैं। तो उनका टोटल, मतलब ये दोनों का टोटल होगा। तो ट्रेन और शिप कितना है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों का टोटल होगा। रेड आउटलाइन किया हुआ पूरा हिस्सा काउंट होगा, तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 3 22। 22 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन उसी फिगर से रिलेटेड, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु डू नॉट ट्रेवल इन शिप। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको सवाल को आपको ध्यान से देखना है, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु डू नॉट ट्रेवल इन शिप, यानी हमें कौन से लोगों की, कौन से पैसेंजर का नंबर पता लगाना है जो शिप से ट्रैवल नहीं करते। अब शिप से ट्रैवल नहीं करते कौन है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिप के लिए कौन सा है यहाँ पर फिगर। शिप के लिए हमारे पास इतने लोग, ये तो हमें पता है कि इतने लोग शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 4 2 + 4 6 6 + 5 11, टोटल आर ट्रैवलिंग, ये शिप से ट्रैवल करने वाले लोग हैं। कितने लोग शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, 11 पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू शिप। अब इसके अलावा जो बच रहे हैं, यहां पर देखिए ये जो
ये शिप में आ रहे हैं क्या इनो? किसी भी तरह से शिप से इनका रिलेशन है, बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? ये शिप से नहीं है, ये शिप से बाहर है, ट्राइंगल से बाहर है। कौन है बाहर है? 4, 3, 3, 4, 8 ये पैसेंजर्स क्या हैं? इन्हों बिल्कुल भी शिप से ट्रैवल नहीं कर रहे, तो ये कितने हो गए? 15 हो गए। तो ये पैसेंजर्स दे आर नॉट ट्रैवलिंग इन शिप। अब यहां पर टू जो है ये कॉमन है, ये शिप से भी ट्रैवल कर रहा है, वो चीज हमें ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें बिल्कुल सिंपल सवाल को समझना जरूरी है, शिप में कितने ट्रैवल कर रहे हैं? 11 ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्राइंगल में आ रहे हैं। ट्राइंगल से बाहर जितने भी हैं वो शिप से ट्रैवल नहीं कर रहे, तो वो कितने हैं? 4, 3 और 8 है, वो 15 हो गया। सर्कल स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रंस हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये किसके लिए है? ये हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सर्कल। और इसी तरह से फिगर एक्यूट ट्राइंगल स्टैंड फॉर गर्ल्स, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल किसके लिए स्टैंड हो रहा है? गर्ल्स के लिए। एंड रेक्टेंगल फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये रेक्टेंगल किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए सर्कल रिप्रेजेंट्स हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो ये फिगर है, आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए एक फिगर है, इसके ऊपर आपको दो क्वेश्चन दिया गया है। हु आर हैंडीकैप्ड गर्ल्स, देखिए हु डू नॉट गो टू स्कूल, हु आर हैंडीकैप्ड गर्ल्स। तो वो हैंडीकैप है और गर्ल्स भी हैं, सर्कल में भी आते हैं और ट्राइंगल में भी आते हैं, बट डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल को नहीं जाते। इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है? ओनली हैंडीकैप्ड गर्ल्स, हैंडीकैप और हैंडीकैप के लिए क्या है यहाँ पर? सर्कल है, और गर्ल्स के लिए क्या है? ट्राइंगल है। अब इसमें हमें क्या करना है? देखिए सबसे पहले दोनों का कॉमन देखेंगे हम, ये कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है किसके लिए? हैंडीकैप्ड और गर्ल्स। मगर आगे क्या पूछा हुआ है ने? हु डू नॉट गो टू स्कूल, तो स्कूल वाला हिस्सा हमें नहीं लेना। ये तीन जो है वो कौन सा? ये रेक्टेंगल में आ रहा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। सिर्फ कितना लेंगे अब हम? टू लेंगे। ये टू क्या है? ये हैंडीकैप्ड गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स भी हैं और हैंडीकैप भी हैं, और ये स्कूल को नहीं जाते। अगर सिर्फ आपको इस तरह से पूछा जाता कि हु आर हैंडीकैप्ड गर्ल्स, आगे का पोर्शन नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर 5 होता, हैंडीकैप्ड गर्ल्स। मगर सवाल में आगे क्या पूछा है? हु डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल को नहीं जाते उन्होंने, सिर्फ हैंडीकैप है और गर्ल्स हैं, तो वो कितने हैं? 2 हैं। इसी फिगर पर जो दूसरा क्वेश्चन है, हु आर द गर्ल्स हु नीदर हैंडीकैप्ड नॉर गो टू स्कूल, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो कौन सी लड़कियां हैं जो हैंडीकैप भी नहीं है और स्कूल को भी नहीं जाती? अदर क्वेश्चन क्या होगा? ओनली गर्ल्स कितने हैं? इसका ये सवाल में क्या पूछ रहा है? इन्हें ओनली गर्ल्स को पूछ रहा है, तो गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? एक्यूट एंगल ना, एक्यूट एंगल स्टैंड फॉर गर्ल्स, तो ये हिस्सा पूछ रहा है वो। ये गर्ल्स हैं हु आर नॉट हैंडीकैप, वो हैंडीकैप भी नहीं है और स्कूल को भी नहीं जाते, तो सिर्फ ओनली गर्ल्स को यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ऐसी लड़कियां जो हैंडीकैप भी नहीं है और स्कूल को भी नहीं जाती हैं, तो वो कितनी है? 5 है। तो बहरहाल आज की क्लास में हमने वेन डायग्राम से मुतालिक, जो इंटरसेक्टिंग फिगर से मुतालिक क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने देखे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं।